हॉन्टेड होली। होली रंगों और धमाल से भरा ये त्योहार किसको पसंद नहीं होगा, और आजकल टीनएजर्स में तो इसका क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल दोस्तों के साथ रिसॉर्ट में जाना, पूल पार्टी करना और नाचना नौजवानों को काफ़ी लुभाता है। ऐसा ही कुछ प्लान प्रीति के दोस्तों ने भी बनाया, जो साथ में होली पार्टी सेलिब्रेशन के लिए एमिगो क्लब जाने वाले थे। यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सच में। कल हम सब साथ में होली सेलिब्रेट करेंगे, कितना मजा आएगा ना। कल सुबह हम दर्पण की कार में जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ, मैं और विक्की, निशा तुझे और रिया को पिक कर लेंगे। बिल्कुल भी लेट मत करना, होली पार्टी शुरू हो जाएगी तो एंट्री नहीं मिलेगी यार। नो, कोई लेट नहीं करेगा, मुझे कुछ भी मिस नहीं करना कल। पांचों दोस्त साथ में पार्टी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि होली पार्टी सुबह से शुरू होने वाली थी, इसलिए पांचों अगले सुबह 6 बजे ही क्लब के लिए निकल गए। सबने एक जैसे सफ़ेद कपड़े पहने और गाते हंसते आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी कार के इंजन में से धुआं निकलने लगता है और उन्हें कार आधे रास्ते ही रोकनी पड़ जाती है। अरे यार क्या हो गया, ऐसे तो हम पार्टी में एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। कार का इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। पर पीने की बोतल में तो सिर्फ इतना ही पानी है, और इस सुनसान रास्ते पर आसपास तो कुछ दिख भी नहीं रहा। लो फिर तो हो गई पार्टी समझो। अरे अरे ऐसा मत बोलो ना, देखो कहीं आसपास कुछ हो तो कहीं से पानी मिल जाए। सब लोग पानी ढूंढने अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं, आसपास देखने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7-1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं, अभी खेले और iPhone 13, Royal Enfield, Samsung Galaxy S22 Ultra जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, सब वापस आ जाते हैं पर प्रीति वापस नहीं आती। अब ये कहाँ रह गई? ये देखो मिल गया पानी। ये छोटी मटकी तू कहाँ से लाई? अरे वो सब मैं बाद में बताती हूँ, पहले जल्दी करो इस पानी को डालो एंड लेट्स गो टू द पार्टी। पानी मिलने से इंजन शुरू हो जाता है और वह सब कार में बैठ जाते हैं, पर कार में बैठते वक्त प्रीति को कुछ चक्कर सा आने लगता है। उसे कुछ देर के लिए अपनी आंखों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप कार में बैठ जाती है। कार में बैठते ही विकी एक गाना चलाता है, सब लोग उसे एंजॉय करते हैं, पर वहीं प्रीति को उस पर गुस्सा आने लगता है। बंद करो ये गाना वरना मैं ये स्पीकर ही तोड़ दूंगी, समझी? पर तुझे तो ये सॉन्ग पसंद है ना, ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कहा बंद कर इसे वरना अच्छा नहीं होगा। सब लोगों को प्रीति का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, पर शायद उसे सर में दर्द होगा ये सोचकर सब इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब कुछ ही देर में वो सब एकदम सही वक्त पर क्लब पहुंच जाते हैं। अब आएगा मजा, ये चलो जल्दी बाहर आ जाओ दोनों। हाँ हाँ विकी जल्दी जाके एंट्री टिकट्स ले ले। हाँ तुम सब जल्दी आ जाओ अंदर, कम ऑन जल्दी। विकी जाकर एंट्री टिकट्स लेता है, जिसके बाद सिक्योरिटी उनके नाम के हिसाब से सबको अंदर भेजते हैं, जिस पर सब अपने नाम के हिसाब से अंदर चले जाते हैं। पर जब प्रीति का नाम आता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसका नाम लेता है, प्रीति प्रीति, लेकिन प्रीति बस अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है। प्रीति आपका नाम प्रीति ही है ना, जाइए ना अंदर जाइए। मेरा नाम मुजफ्फर है। सिक्योरिटी गार्ड को प्रीति की बातें कुछ अजीब लगती है, पर इतनी देर में सामने से विक्की आकर प्रीति का हाथ पकड़ लेता है। चलना यार पार्टी शुरू हो गई है। विक्की प्रीति का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है, लेकिन प्रीति जाते जाते पीछे मुड़कर सिक्योरिटी गार्ड को देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देख सिक्योरिटी गार्ड भी हैरान रह जाता है। सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, प्रीति भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है।
पर जैसे ही कुछ लड़कियां उसके पास डांस करने आती है तो अचानक ही प्रीति के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो उनकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की तरफ देख रहा हो। हमारे साथ भी थोड़ा नाच लीजिए मोहतरमा। क्या कर रही हो तुम, दूर हटो। अरे लगता है आप हमसे नाराज हो गई। नाराज ना हो, हम गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं। बड़ी अजीब लड़की हो तुम, और तुम्हारी आवाज वैसी अजीब सी क्यों है? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो प्रीति, छोड़ो उसे, पागल हो गई हो क्या? इस पर निशा जैसे ही बीच में आती है तो प्रीति तुरंत उसे धक्का दे देती है और गुस्से से लाल आंखों के साथ उसकी तरफ देखती है। प्रीति क्या कर रही हो? मैं वो तुम नीचे कैसे गिर गई? तुमने मुझे नीचे धक्का दिया, यू इडियट। मैंने? पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं। छोड़ो, चलो वहां सब हमारा वेट कर रहा है। प्रीति और निशा वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है जहां वो सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये लो प्रीति। ये कहां पीती है? अरे कुछ नहीं होता यार, आज थोड़ा सा ट्राई कर लो, कम ऑन यार। दर्पण जबरदस्ती प्रीति को ड्रिंक करा देता है जिसके बाद अचानक ही उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। उसकी आंखें लाल और आवाज एक मर्द जैसी हो जाती है। ना गवार इंसान, ये हमारा पसंदीदा ब्रांड नहीं है, समझा? वो बॉटल ला, चल जल्दी कर। प्रीति को इस रूप में देखकर सबके पसीने छूटने लगते हैं। उसका बिहेवियर एकदम से बदला देख किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वहीं सिक्योरिटी गार्ड भी ये नोटिस कर लेता है कि प्रीति के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। वो उन सब के पास आता है। बच्चों मेरी बात मानो, ये ठीक नहीं है। इनके सब लक्षण मुझे काले जादू के लग रहे हैं। ये काला जादू है, काला जादू। आपको इन मेम सब को बचाना है तो तांत्रिक के पास जाना होगा, वही इसका उपाय कर पाएंगे। प्रीति की ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त उसे गांव के तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जिसे देखते ही तांत्रिक समझ जाता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्या इस लड़की ने चौराहे से कुछ सामान उठाया है? नींबू, सिंदूर या पानी की मटकी जैसा कुछ? पानी की मटकी सुनते ही सबको याद आ जाता है कि शायद वो पानी की मटकी प्रीति चौराहे से ही उठाई होगी। वो तांत्रिक को पूरी बात बताते हैं। इसके शरीर पर एक बुरी आत्मा ने कब्जा किया है। अब तांत्रिक एक जल प्रीति के ऊपर छिड़कता है जिससे प्रीति अजीब तरीके से छटपटाने लगती है। बोल बोल। मैं मुसफ्फर हूँ, मुझे इसका शरीर चाहिए। मेरी प्यास, मेरी हवस की प्यास अभी पूरी नहीं हुई है। ये बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, इतनी आसानी से इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगी, इसे बहुत कष्ट पहुंचाएगी। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता वैसे वैसे प्रीति के शरीर में वो आत्मा खौफनाक तरीके से चिल्ला रही थी। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर प्रीति के दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बहुत देर तक ये सब चलते रहने के बाद अचानक प्रीति बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है। हमने इस आत्मा को तो फिर से कैद कर लिया है, लेकिन ये लड़की नहीं बच पाएगी। इतनी ही देर में प्रीति की भी मौत हो जाती है। जितनी एक्साइटमेंट के साथ वो सब होली पार्टी के लिए आए थे, उतना ही खौफ वो लोग इस होली पार्टी से लेकर वापस जा रहे होते हैं। कार से घर जाते वक्त वो उस चौराहे की तरफ देखते हैं जहां एक और पानी की मटकी रखी होती है।